हो सकता है किसी के मन में प्रश्न आए, यदि ईश्वर उत्पत्ति करता है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, उत्पत्ति करता है पालन करता है, तो हम लोग भी तो विवाह के पश्चात संतति की उत्पत्ति करते हैं, और जब संतति की उत्पत्ति होती तो उसका पालन भी करते हैं, पोषण भी करते हैं, उस ईश्वर में हमें क्या अंतर बचा? ध्यान दीजिएगा, उस ईश्वर में और हमें यही अंतर है कि हम कभी महाराज अपने बच्चों के लिए कुछ करें तो कहीं ना कहीं अपेक्षा रखते हैं, लेकिन ईश्वर कभी हमसे अपेक्षा नहीं रखता। हम अपेक्षा रखते हैं इसलिए हम लोगों की उपेक्षा होती है, ईश्वर कभी अपेक्षा नहीं रखता। आप देखिए क्या नहीं दिया ईश्वर ने, जब दांत ना थे तब दूध दियो, जब दांत ना थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न भी दे है, जान कुंदेत जहान कुंदेत वो तो कु भी दे है, रे मन मूरख कछु सोच करे, कछु सोच करे तो कछु हाथ ना पई है। सूर्य का कितना सुंदर प्रकाश, क्या ईश्वर ने कभी बिल भेजा हमारे पास कि भाई मैं इतना प्रकाश आपके लिए उपलब्ध कराता हूं, इसका इतना बिल हुआ। कितना सुंदर श्री ठाकुर जी जल की वृष्टि करते हैं, हम लोग मिनरल वाटर लेते हैं, शायद 20 रुपए का एक लीटर जल आता है, और आप और भी अच्छे अच्छे ब्रांडों में जाइए तो 60 रुपए लीटर, 80 रुपए लीटर, लेकिन ईश्वर वर्षा के रूप में कितना सुंदर फिल्टर जल हमको उपलब्ध कराते हैं। क्या वर्षा ऋतु के पश्चात ईश्वर हमारे पास बिल भेजते हैं? हम नदी से जल लेते हैं, क्या हमारे पास कोई बिल आता है? क्या नहीं दिया ईश्वर ने हमें, जब दांत ना थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न भी दे है, जान को दे तो जहान को दे तो वो तो को भी दे है, रे मन मूरख कछु सोच करे तो कछु हाथ ना पई है। इसलिए ईश्वर के प्रति तो सदा सर्वदा कृतज्ञता का भाव तो हम लोगों का होना ही चाहिए। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।